कि आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, कि आपका फ़ोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइस इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिसके मदद से आपका फ़ोन कभी हैंग भी नहीं होगा, और अगर हैंग होता भी है तो इस प्रॉब्लम को इस वीडियो के माध्यम से जो भी हम बताने वाले हैं टिप्स ट्रिक, उसे अपना के आपका मोबाइल का हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसके लिए गाइस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। हाय गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल कैसे में। गाइज बहुत सारे लोगों को मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम आता है जिससे कि उनका मोबाइल अच्छे होने के बाद भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन को आप ओपन करने की कोशिश करेंगे फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल से प्रॉब्लम होता है। कोई मैसेज या कोई SMS या कोई ईमेल पढ़ने में, या फिर गेम खेलने की कोशिश करते हैं तो गेम भी प्ले नहीं होगा। तो गाइज ये होता है हैंगिंग का प्रॉब्लम, जिससे आपका मोबाइल बिल्कुल भी वर्क में नहीं आता है अच्छे ढंग से। तो गाइज इस वीडियो में हम जो भी टिप्स बताने वाले हैं उसको आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए, आपका मोबाइल का हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जिससे कि आपका मोबाइल पहले की तरह नए की तरह वर्क में काम करेगा। गाइज सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो सेटिंग में जाने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर का अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से इस फ़ोन को आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए। अगर आपका अपडेट है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं अपडेट है तो इसे आप अपडेट कर लीजिए। फिर आपको ये अपडेट होने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से इस वाले ऑप्शन को ऑन करना है, और वहाँ से जितने भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन होगा उन सभी को अपडेट कर देना है। दो काम आप कर लीजिए, उसके बाद गाइस आपके फ़ोन में कितने एप्लीकेशन हैं उसे याद होने के बाद आप सारे को देख लीजिए कि कितने आपके फ़ोन में एप्लीकेशन हैं और कितने वर्किंग हैं और कितने आपके यूज के हैं और कितने आप यूज नहीं करते हैं। गाइस सबसे पहले तो आपके फ़ोन में ऐसे एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए जो आप यूज नहीं करते हैं। जो फ़ोन में आपके एप्लीकेशन पड़ा हुआ है और उसे यूज नहीं करते हैं तो उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, यानी कि रिमूव कर दीजिए, और एक बार आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट का मतलब स्विच ऑफ कीजिए, और फिर से ऑन करने के बाद आपका फ़ोन जितने भी एप्लीकेशन डिलीट किए रहेंगे उसका लिंक आपके फ़ोन से हट जाएगा। गाइस इतने सारे वर्क करने के बाद आपको क्या करना होगा, क्लीन मास्टर जैसे एप्लीकेशन अगर आपके फ़ोन में है जो कि आप ये सोचते हैं कि आपके फ़ोन में वायरस को कम करता है या आपके फ़ोन को अच्छे से वर्क में लाता है, तो गाइस आपको बता दें कि ये आपका भ्रम है। आपके फ़ोन में क्लीन मास्टर से कोई वायरस या जंक फाइल नहीं हटता है, यानी कि आपके फ़ोन में और जंक फाइल और वायरस बन जाता है। तो इसलिए गाइज आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन में क्लीन मास्टर से रीट इस तरह के एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करना है, और इसके जगह पे आप बोलो तो उसके बाद गाइज सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके फ़ोन में हैंगिंग हो रहा था तो आप जो भी गेम खेलते थे आपके फ़ोन में, जैसे कि फायरफॉक्स या फिर पबजी, ऐसे गेम अगर आप फ़ोन में खेलते थे तो उसका यूज कर सकते हैं अपने फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। एप्लीकेशन को यानी उस गेम को आपको अनइंस्टॉल करना होगा, 2-4 दिन अनइंस्टॉल कर दीजिए, और उसके बाद फिर से आप अनइंस्टॉल करके यूज कर सकेंगे, और देखेंगे इतने सारे वर्क करने के बाद कि आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है और स्मूथली, जैसे कि आप नए के समय में यूज़ कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका मोबाइल अब जो है नए की तरह वर्क करना शुरू कर दिया होगा, और इतने सारे टिप्स ट्रिक को आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। गाइस जो का भी मोबाइल हैंगिंग प्रॉब्लम हो रहा है उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपनी इस टिप्स ट्रिक्स को अपना के अपने मोबाइल को हैंगिंग से छुटकारा पा सकेंगे। गाइस उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दें। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए मेम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।